सो गाइस VMware के कमाल के एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे VMware के अंदर एरर्स आती हैं, फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन के कम्युनिकेशन में कहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, साउंड इशू कैसे फिक्स करना होता है, रिजोल्यूशन कैसे सेट करना होता है एंड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इशू आते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, समझाएंगे और करके दिखाएंगे। सो वीडियो को अंत तक देखेंगे, अगर आप VMware सीखने आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखेंगे। एंड गाइस, कंप्लीट सीरीज यहाँ पर VMware की मैं लॉन्च किया हूँ और आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर VMware के बारे में इंट्रोडक्शन से लेकर एंड vSphere के डेटाबेस मैनेजमेंट तक में मैंने 8 एपिसोड में कंप्लीट किया हुआ है और ये 9th नंबर एपिसोड है। कुछ एरर्स ट्रबल शूटिंग्स वगैरह करनी होती हैं VMware के अंदर आगे के काम करने के लिए, तो जिसके बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँगा। सो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड यहाँ पर इस वीडियो में आपको समझने को मिल जाएगा जैसे कि मैनेज एंड इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, VMware सेटिंग कैसे करते हैं, VMware vSphere इंस्टॉलेशन कैसे होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होता है VMware के अंदर एंड उसके अंदर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डाले जाते हैं, डिफरेंट तरीके के डेटाबेस कैसे मैनेज होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी तक आप सीख चुके हैं। बट गाइस, बात ये है ना कि हमें इशू बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। क्यों इशू फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि कभी कभी पेन ड्राइव नहीं काम करती, हमारी फिजिकल मशीन से कोई भी डेटा डायरेक्टली कॉपी नहीं होता हमारे वर्चुअल मशीन पर, तो ये सारे इशू फिक्स कैसे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बात करूँगा। कभी कभी साउंड भी नहीं आता एंड कभी कभी कलर क्वालिटी भी नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, उनको चलिए फिक्स करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो इन्फोटेक से इंस्टाग्राम पर सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। वहां पर मैं इसलिए ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ, आप लाइव अपनी क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे और जो भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं वहां पे कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट ऑप्शन है, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको अगला एपिसोड या VMware से रिलेटेड कैसा ऑप्शन चाहिए, क्या चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए या अदर कोई कोर्सेज पे वीडियो चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर करके दूंगा। सो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि हमें VMware में ऐसी प्रॉब्लम्स या जो भी चीज़ें होती हैं उनको फिक्स कैसे करना होता है। सो सबसे नंबर वन, अगर VMware टूल हम लोगों के मशीन पे इंस्टॉल नहीं होता है तो ऐसी एरर आती है, जैसे वाई वी शुड इंस्टॉल VMware टूल। अगर एक क्वेश्चन ये किया जाए कि VMware टूल हमें क्यों इंस्टॉल करना चाहिए तो इसके बारे में, पहला, हार्डवेयर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हम लोग VMware टूल इंस्टॉल नहीं करते हैं तो हमारे जो VMware मशीन के अंदर हार्डवेयर वर्चुअली क्रिएट होते हैं ना, वो प्रॉपर काम नहीं करते, या तो हमारी फिजिकल मशीन से वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते हैं। दूसरा नंबर, साउंड इशू आता है। तीसरा नंबर, यहाँ पे USB यानी जितने भी पेरिफेरल्स हम लोग कनेक्ट करते हैं वहाँ पे उन सारे पेरिफेरल्स की कनेक्टिविटी में इशू आ जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं करता। डेट एंड टाइम का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमारी फिजिकल मशीन के साथ वर्चुअल मशीन का नहीं हो पाता एंड रिजोल्यूशन इशू आ जाता है, डिस्प्ले प्रॉपर काम नहीं करता, इसके साथ साथ कलर इशू आ जाता है और नेटवर्क इशू भी कभी कभी होने लगता है, स्मूथ वर्क नहीं करता हमारा कंप्यूटर और इंक्रीज परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। तो VMware टूल अगर हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं तो ये सारे ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से आप अपने मशीन के अंदर यूज कर पाते हैं एंड उनपे बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल कर पाते हैं और आपकी VMware मशीन लैग भी नहीं करती है, मैक्सिमम चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो कैसे आपने इस पे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं VMware मशीन पर आपको लेकर चलता हूँ और वहां पर बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखा है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो आपने उस पे कर लेना है। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँ तो ये पेस्ट ऑप्शन है, मैंने तो इसको कॉपी कर लिया, बट कॉपी करने के बाद यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो नहीं रहता है, या डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से इसको उठा कर रखता हूँ नहीं रहता। इसके अलावा भी और भी छोटे छोटे इशू हैं नेटवर्क से रिलेटेड एंड हर चीज़ से रिलेटेड, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाती। तो वो गाइस फिक्स करने के लिए हम लोगों ने क्या करना होता है कि अगर आप देखो यहाँ पे राइट क्लिक करते हो तो इंस्टॉल VMware टूल यहाँ से भी आ जाता है। गाइस, जब भी आप VMware टूल इंस्टॉल करने जाओ तो एक बार देख लो यहाँ पर कि क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पे अभी विंडोज 7 की DVD लगी हुई है और जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल कर देते हो, अगर ये ऑप्शन आप पे नहीं आ रहा है यहाँ से तो मैं एक और तरीका बता दूँ, आपने यहाँ पे 7 मैं यहाँ पे होम पर चला जाऊँ और यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल VMware टूल यहाँ से कर लेना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन बदल जाएगा। ओके, जैसे ही ऑप्शन यहाँ पर आपका चेंज होता है फिर आपने क्या करना है, देखो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल एंड रन प्रोग्राम पे कर देना है। बाकी जैसे ही आप अदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हो उस तरीके से ऑप्शंस आएगा कुछ यहाँ पे और उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आगे के स्टेप को डन कर लेना होता है। सो गाइस, यहाँ तक आप अगर कर चुके हैं तो समझिए कि आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो भी VMware पे रिलेटेड हो रही होगी।
सो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना है, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा ये अपनी सेटिंग्स एंड अपने हार्डवेयर और जो भी मिसिंग कंपोनेंट्स होते हैं उन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। सो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और वेट करते हैं। और गाइज एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आप हमारे चैनल पर और भी बहुत सारे आईटी फील्ड से रिलेटेड कंप्लीट जॉब बेस्ड कोर्सेज पा सकते हैं। अगर आप वो सारे कोर्सेज अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में जरूर डेवलप कर पाएंगे, जरूर बना पाएंगे। आई एम श्योर कि हाँ, 7-8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे बंदों को सिखाया है, ट्रेनिंग दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती है, मतलब यहाँ पर मिलेगी। सो गाइज जरूर उन सारी वीडियोस एंड उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके एंड अपने फेवरेट कोर्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हमारा इंस्टॉलेशन स्टेप डन हो रहा है, तब तक हमने वेट करना है कंप्लीट होने तक। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ। सो गाइज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा टाइम वेट करके यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विंडोज 10 वगैरह पे करते हो तो यहाँ पर एक इशू आता है, ये आपसे पूछता है विंडोज मशीन को रिस्टार्ट करने के लिए, बट अभी यहाँ पे कोई रिस्टार्ट करने का ऑप्शन नहीं आया। सो एक बार आप जब भी रिस्टार्ट कर लेंगे तो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। एक बार ऐसे ही आप बिना रिस्टार्ट के यहाँ पे कॉपी करके देखो या सेंड करके, सो नहीं हो रहा है। सो अभी देखो यहाँ पर अभी कोई ऑप्शंस बचा हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा है। सो इसको कंप्लीट इंस्टॉल होने देना है गाइस, जब तक ये पूरा तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम ये ले रहा है, बट आई एम श्योर कि और भी जो भी मिसिंग चीज़ें होती हैं वो कंप्लीट ढूंढ ढूंढ के इंस्टॉल करता है। काफ़ी एडवांस लेवल का टूल है VMware टूल। अभी इंस्टॉल होने तक मैं सोच रहा था वो फाइनल स्टेप है, बट यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टिपिकल कंप्लीट कस्टम पूछ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी रहता है वही बेस्ट है, आपने क्लिक कर देना फटाफट और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो गाइज मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज नहीं करना है और मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी जब ये इंस्टॉल करेगा ना चीज़ों को तो यहाँ पे कुछ लाइव चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों ना हम उसको देखें। विंडोज 10 वगैरह पे तो मिलता है, देखो ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर रहा है, देखते हैं क्या कोई यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट दिखता है क्या, लाइव कोई इफेक्ट दिखता है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं और देखते हैं क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है कि नहीं। सो गाइज अभी तो वर्क स्टेशन वर्चुअल मशीन कुड नॉट बी चेंज टू द सिलेक्टेड मोनिटर लेआउट। ओके, सो सिलेक्टेड मोनिटर लेआउट कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिला, बट गाइज आई एम श्योर कि अब आपका जो पेस्ट ऑप्शन था वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा एंड आप चीज़ों को कर पाएंगे। आई एम श्योर कि और भी जो भी इशूज थे वो यहाँ पे आपके काम करने स्टार्ट कर देंगे। अभी मशीन रिबूट करने को बोल रहा है, बट कि आपको रिबूट करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर पाएंगे, उठाकर रख पाएंगे। सो यहाँ पर आपने इसको नो कर देना है और रिबूट कर लेंगे तो और भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। देखो मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ, दोबारा से यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ, चीज़ें पेस्ट हो जाया करेंगी। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और यहाँ तक आपने कर लिया और इस टूल की वजह से आपके VMware मशीन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको जरूर कमेंट करके बताएं क्या प्रॉब्लम हो रही थी और क्या आपका फिक्स हो गया, ताकि औरों को पता चले कि हाँ उससे रिलेटेड भी इशू है तो वो फिक्स हो जाए। एंड गाइज इंस्टाग्राम का लिंक जरूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा एंड ज्वाइन करिएगा, लाइव डिस्कशन हम लोग करते हैं एंड विद फन के साथ अपनी स्टडी को आगे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।